नमस्कार, मैं सुभाष पाल। आज काफ़ी दिनों के बाद एक फिर आप लोगों के बीच में वीडियो आने जा रहा है। ये लॉकडाउन का पीरियड चल रहा था तो अब इस समय किसी का आना जाना ज़्यादा था नहीं, मगर इसी लॉकडाउन के रहते आज हमारे बीच में एक व्यक्ति हैं जो उन्नाव जिला में रहते हैं और राम प्रकाश जी नाम है उनका। आज उनको 20 साल से कमर दर्द पाँच साल से कमर दर्द और साटिका पेन था, जिसकी इन्होंने काफ़ी जगह दवाइयां कराई और काफ़ी जगह इलाज कराया, इनको आराम नहीं मिल रहा था। अभी आज इनको हमने पूरा एक फर्स्ट टाइम थेरेपी दिया है, पहले दिन थेरेपी दिया है और इनको कितना आराम मिला, चल के इनसे मिलवाते हैं, इनसे परिचय कराते हैं आपका, और फिर ये बताएंगे कि हम कब से परेशान थे और हमें आज जो ट्रीटमेंट मिला उससे हमें कितना आराम मिला, जो चुभन वाला दर्द था वो कितना ख़त्म हुआ। चलिए मिलवाते हैं। क्या सर नाम है आपका? राम प्रकाश पाल जी, सामने देता हूँ। तो राम प्रकाश जी, ये बताइए कि ये जो आपको अभी हमने क्या तकलीफ थी आपको? अरे बहुत चुभन है, वो कांटा ऐसा कुछता था कमर में, नस का, नस का, हाँ नस कांटा ऐसा चुभता था। हाँ ये रगड़ता। कब से दिक्कत थी आपको? पाँच साल से दिक्कत थी। तो 5 साल जो दिक्कत थी उसमें आपने दवा इसका इलाज कहीं कहीं कराया? अरे बहुत कराया, बम्बई में कराया, यहाँ करावा, कोई आराम नहीं मिली। पहली बार आज हमको ऐसा आराम मिला। बम्बई में इलाज कराया था? बम्बई में रहते हो आप, नौकरी में ही करते थे? हाँ हाँ। तो आप ये आराम जो मतलब दवा वा कराते थे उससे आराम नहीं मिलता था? वही आराम, जब तक दवा का नस रहता रहे प्रभाव तब तक आराम रहे, उसके बाद फिर दर्द। उसके बाद फिर दर्द। आज जो हमने आपको अभी जो आपके ऊपर जो हमने ट्रीटमेंट दिया, जो हमने आपको न्यूरोथेरेपी दिया है, तो कोई दवा कोई सुई तो नहीं लगाया? कुछ नहीं, कुछ नहीं दवा वा, तो केवल नसों को हमने जो आपकी बंद थे उनको खोला है। तो उसमें आपको जो चुभन वाला दर्द था या वो जो दर्द था जो आप हमेशा ऐसे करते थे, उसमें दर्द में आराम मिला आपको? काफी आराम मिला। मतलब कैसा महसूस कर रहे हो आज? मतलब हमको जैन पर 50 पैसा पर आराम मिला है। 50 पैसा पर आराम मिला है। अच्छा, उस जब हम ट्रीटमेंट दे रहे थे तो सर आप भी वहाँ पे मौजूद थे? जी जी। तो आपका बेटा, आपने जिस समय हम ट्रीटमेंट दे रहे थे उस समय आपको जो है उस समय जो है देख रहे थे कि हमने इनको कोई सुई कोई इंजेक्शन कोई दवा नहीं लगाई? नहीं, कुछ। हमने जो ट्रीटमेंट दिया उससे इनको आराम जो मतलब मिला है बगैर दवा के बगैर सुई के, तो इससे कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है? नहीं। आपकी क्या राय, वीडियो के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं मतलब पब्लिक को? हम भैया यही चाह रहे हैं कि इनसे जो है यही थेरेपी कराया जाए और इनसे जो है बहुत फायदा है। इससे फायदा है, लोगों को मिल सकता है फायदा? फायदा मिल, मतलब ये विश्वास जागा है आपका? जी जी, विश्वास बहुत, मतलब इनको जो 5 साल से दवा करा रहे थे नहीं फायदा मिला, और आपको जो है करीब 15 मिनट थोड़ा एक्सरसाइज किया, इनको आधा आराम मिल गया। चलिए, ये भैया की जुबानी देखा आप लोगों ने कि केवल 10 से 15 मिनट की थेरेपी में इनको आधा आराम मिला, वो भी एक बार में। तो ये आराम अगर ये 2, 4, 6, 10 बार थेरेपी इनकी कंटिन्यू होगी तो क्या विश्वास है ये मर्ज आपका जा सकता है? हाँ हाँ, ठीक हो जाएंगे, हमको आशा पड़ गई आपके। आशा पड़ गई, विश्वास पड़ गया, ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। अच्छा, ये विश्वास आ गया है अंदर, तो खुशी हो, विश्वास हो गया हमको अभी ठीक कर। आप बम्बई तक रहे? बम्बई तक में मतलब ये दर्द बना रहा हो, दवाई कराते रहे? नहीं, बहुत इलाज कराया। तो बम्बई में भी आपके मिलने जुलने वाले लोग होंगे? अरे बहुत आदमी। तो ये दर्द कमर दर्द सर्वाइकल सेट पूरा इमराई कराया अभी तुम्हारी? हाँ, सेठ ने। हाँ सेठ ने। तो सेठ को आप बताओगे फोन करके हम साहब अब 50% ठीक हो गए? बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे। चलिए खैर ठीक है। सेठ तो ऑपरेशन बोला रहे, ऑपरेशन मेरा वो मेडिक्लेम है ना बना, हाँ तो बोले ऑपरेशन करवा लो, अभी डॉक्टर बोला ऑपरेशन, मगर बहुत लोग बोले जी ऑपरेशन कमर का ऑपरेशन नहीं, वो रीढ़ का ऑपरेशन ठीक नहीं होता है, नस है जो करना, नसों का सारा खेल है, ये ऑपरेशन नहीं कराना, ये गुजरती ही बोला ऑपरेशन पाल जी नहीं कराना। जी जी, चलो अब आप पूरी तरह से अच्छे हो जाओगे, विश्वास लग रहा है आपको? नहीं नहीं, हमको पूरा विश्वास हो गया कि हम ठीक हो जाएंगे। देखा आप लोगों ने, ये व्यक्ति 5 साल से परेशान थे और ये जहाँ पे बॉम्बे में नौकरी करते थे, ये फरवरी में आ गए थे, लॉकडाउन से इनका इनका कोई मतलब नहीं है, फरवरी में आ गए थे, मार्च में होली में इनको आना था, 17 फरवरी का आ गए थे, तो
इनका सेठ जो थे वहाँ पर बॉम्बे में, वो इनका ऑपरेशन की भी पैसा दे रहे थे, मगर इनका डर था कि ऑपरेशन से कहीं ऐसा ना हो, हम जो चल रहे हैं वो भी हमारा सब बंद हो जाए, इन्होंने ऑपरेशन नहीं कराया। आज इनको जो फर्स्ट टाइम थेरेपी दिया उसमें इनको 50% आराम मिला, और विदाउट इंजेक्शन विदाउट मेडिसिन के, ये इनकी जुबानी है। और साथ में भैया देख रहे थे, ये भी गवाह हैं। तो आप लोग चाहते हैं कि अगर किसी को कमर दर्द, सर्वाइकल माइग्रेन हो, तो एक बार जरूर मेरे नंबर पर संपर्क करें। मेरा नाम सुभाष पाल, मोबाइल नंबर 9336594937, 84 18 931 9 मेरा नंबर है। आप मुझसे संपर्क करके और अपने कई अगर इस तरह की समस्या है तो उसका समाधान पा सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।